मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा कर्म क्या है, मेरे सपने क्या है, मेरे ड्रीम्स क्या है, मैं क्या हूँ? क्या मैं सिर्फ खाना खाने के लिए या कपड़े पहनने के लिए और एक आम जिंदगी जीने के लिए आया हूँ? क्या फिर एनिमल के जैसे रहने के लिए आया हूँ? क्या फिर मैं अपने बड़े से बड़े सपने को पूरा करके इंसान की भांति जी करके जाने के लिए आया हूँ? और बहुत सारे लोग सपने सजा लेते हैं। कैसे सजाते पता है? मैं ऐसा सा कर लूंगा सेटल हो जाऊंगा, समझ पा रहे हो आपको? इतना सा कर लूंगा सेटल हो जाऊंगा, मैं ये पढ़ाई कर लेता हूँ, इतना कर लेता हूँ और इतने करके मेरी डिग्री बन जाएगी, मैं मास्टर डिग्री कर लेता हूँ, इतना करके मैं सेटल हो जाऊंगा, मेरे को जॉब लग जाएगी, मानसिक लेवल सेट कर लिया। सही बात है? पर आपको पता भी है, आप खुद जानते हो दोस्त, जानबूझ करके, जैसे कि बगैर कहा गया ना कि कौन से मोटे इंसान को यह पता नहीं है कि पतला कैसे होना है, पतला कैसे होना है, पता है उसको? वो एक्सरसाइज करेगा, वो दौड़ लगाएगा, वो मेहनत करेगा, डाइटिंग करेगा और वो दुबला हो सकता है लेकिन फिर भी नहीं करता और ज्यादा ही मोटा होते चला जाता है। सही बात है? आज हमको सबको मालूम है कि हमारे घर में, अपने हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदार में, हमारे रिलेटिव में, हमारे दोस्त भाई में कितने सारे लोग ने कितनी सारी डिग्रियां करके रख ली है और कुछ लोगों को, चुनिंदा लोग को धोखे से नौकरी मिलती है। कैसी मिलती है? वो भी धोखे से नौकरी मिलती है, फिर जानबूझ करके लगे पड़े हैं। जानते हैं उस मोटे इंसान के जैसे कि मैं भी कोई बड़ा काम करूंगा, बिजनेस करूंगा, कोई स्टार्टअप करूंगा और मैं बड़ा बन सकता हूं, मेरे सपने को पूरा कर सकता हूं। जानता है लेकिन फिर भी नहीं करेगा। किसी ने सच ही कहा है, प्यार और नौकरी दोनों में लोग, इंसान रोते जाता है, रोते जाता है, रोते जाता है, रोते जाता है, रोते जाता है। कहा प्यार और नौकरी दोनों में रोते जाता है लेकिन छोड़ता नहीं। ऐसे ही होता है। तो जो चीज हमारे काम की नहीं तो उस पर टाइम लगा कर दिमाग खराब करने का, सही बात है? एक बार की बात है कि एक बहुत अच्छा इंसान था जिसके दो गधे थे। मैं बताना चाहूंगा आपको, आपको लगेगा कि रियल में यार कहीं मेरी लाइफ तो ऐसी नहीं है, सही ना? तो दो गधे थे। अच्छा मजा आ रहा है, कोई बोर तो नहीं हो रहा है? नहीं तो मैं बोले जा रहा हूँ और आप लोग का दिमाग सहन नहीं दे, अभी मेरे दिमाग खराब हो गया। सही बात है? ऐसा कर भी लोगे तो क्या? मैं तो बता ना, मैं मेहनत करता हूँ तो उस बंदे के लिए कर रहा हूँ जो मेरे जैसे जुनूनी होगा। सही बात है? जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, कुछ बेटर करना चाहता है, जो लाइफ में पूरी दुनिया देखना चाहता है और अपने सपने को पूरा करना चाहता है, अपने मम्मी पापा को फ्री करना चाहता है, ऐसा जुनूनी बंदे की तलाश है मेरे को। और एक की भी यहाँ से जिंदगी बदल गई ना तो मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। सही बात है? और किसी ने सच ही कहा था कि सिर्फ और सिर्फ 5% लोग कामयाब होते हैं। अगर यहाँ पर 100 लोग आए, 100 में से 5 लोग कामयाब होंगे और बाकी 95% लोग कामयाब नहीं होंगे तो बाकी लोग सोचेंगे कि मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ। समझ पा रहे हो? 95% लोग सोचेंगे कि जब 5 लोग को कामयाब होना है तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। सही बात है? तो ये भी दिमाग लगा सकता है कि मैं 5 लोग में जो मैं 95 में क्यों? समझ पा रहे हो तुम दोस्त? बात ऐसी है कि एक बंदे के दो गधे थे और बड़े प्यारे गधे थे, पर काम बहुत कराना था उनसे। सही बात है? इतना वजन रखता है कि उनकी हालत खराब हो गई, ऐसे हो गए वो कि वो बहुत परेशान हो गए, यार हम यहाँ से हमको भाग जाना चाहिए, मतलब उनकी कंडीशन बहुत। और ऊपर से पता है खाने को भी नहीं देता है, काम बहुत करवाता है, खाने को नहीं देता है, खाने को नहीं देता, काम बहुत करवाता है। परेशान घोड़े गधे और डेली 2-4 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, महीने 4 महीने बीत गए, वो दोनों परेशान हो गए। अब उनको ले जाता है वो इधर काम करवा के लाता है और ले जाकर के जंगल है, उसके मतलब घर से थोड़ी दूर पे एक मैदान है, मैदान में ले जाता है और ऐसी पुट्टी गाड़ देता है और पुट्टी में दोनों को एक साथ लंबी रस्सी से बांध देता है। वो घास थोड़ा बहुत काटते हैं, उसमें जो हो जाए तो हो गया तो ठीक है, जो पेट भर गया बस उतनी एनर्जी रहती है। और उतनी सी एनर्जी में गला इतना वजन रखता है कि उनका दिमाग खराब कि भाई यार यहाँ से निकल ही जाए। सही बात है? पर एक गधा जो था ना, उसमें मजा आ रहा है ना, जो एक गधा था ना उसमें बड़ा चालू था, क्या था? लेकिन एक गधा गधा था, समझ पा रहे हो आपको? एक गधा जो था वो चालू था लेकिन एक गधा गधा था। अब वो जो चालू गधा था एक दिन ऐसा लगा हुआ, अब डेली वो ले जाता है भोजन लेके आता है और उनको ले जाके मैदान में बांध देता है। तो एक दिन क्या हुआ कि धोखे से जो खूंटी थी ना वो उखड़ गई,
क्या हो गई, कुट्टी उखड़ गई और उनको मौका मिल गया भागने का। अब जो चलाक गया था उसने बोला, भाई मेरे बहुत मुश्किल से मौका मिला है, निकल लेते हैं। क्या करते हैं? निकल लेते हैं। लेकिन जो गधा गधा था ना, वो क्या बोलता है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। उसका दिमाग बोले यार ये कैसा, अला हमको इतना टाइम मौका मिल रहा है, हमको इतना ज्यादा हेरिटेट कर दिया बंदे ने, हमारे ऊपर इतना वजन रखता है, हमको खाने को भी टाइम पे नहीं देता है, और तू बोलता कि मैं नहीं जाता। बोले चल लिया, नहीं मैं नहीं जाता। बहुत कोशिश की उसने उसको साथ में रखने की, लेकिन वो मानने के लिए खाली नहीं। और क्या हुआ, बोले तू रहे मैं तो जाता। वो अकेले निकल गया उसको छोड़ के, वो चला गया जंगल में। अब वो छूट गया, उसका जो था मालिक आया, उसने देखा बोले यार ये गधा कहाँ चला गया, इस तो चला गया। अब उसको उसको समझ गया खुट्टी उखड़ी है, भाग गया एक रह गया। अब उसने वो एक ही को पकड़ा और लाया, अब दोनों का वजन एक ही के ऊपर रख करके चल। उसका और दिमाग खराब, अरे भाई दो थे तो अच्छा था, अब तो एक बचा, एक के ऊपर तो बाट ही लगा दी मेरी, ठीक है। फिर भी वो भागने की कोशिश नहीं कर रहा, फिर भी काम किए जा रहे, बस ठीक ही थे जो भी है, सही बात है। ऐसे ही चलते गए, उसकी हालत और खराब होते गई, उसकी मरने के लगे थे कि अब तो जिंदगी मेरी वीरान है, तो यही खत्म होना जो भी है, सही बात है। काफी टाइम बीत चुका था, काफी समय हो चुका था, महीने चार महीने बीत चुके थे। उसके बाद में एक समय ऐसा था, चार छह महीने बाद में ऐसे ही फुट्टी से उसको बांधा गया था, और जो उसका जो भागा हुआ गधा था, उसने उसका जो दोस्त था उसने सोचा कि चलो ना यार कहीं मैं पुराने मालिक के यहाँ से घूम के आता हूँ, देख के आता हूँ, दूर से देखूंगा, वापस आ जाऊंगा। अब वो उसी मैदान में वापसी जाता है, और जैसे जाता है होता क्या है, वो जो गया तो अट्टा कट्टा मोटा दाटा हो चुका है, मजबूत हो चुका है, अच्छा एकदम और मस्त हो चुका है। वो जब आते देखता है ये कौन है यार, इतना मजबूत है कौन, ये है कौन पता है। जैसे उसने उसको देखा उसका दिमाग खिल गया कि ये कहीं मेरा दोस्त तो नहीं है, ये मेरा वही दोस्त तो नहीं है। उसको लगा कि ये वही है यार, जैसे पास में आया वो बोलता है कि तू तो मेरा वही दोस्त ना। बोले हाँ यार। बोले कैसा हो गया यार तू, ये कैसा दिख रहा है तू, तेरे से कोई लात मार के तू गिर जाएगा, ऐसी कंडीशन तेरी हो चुकी है। बोले क्या करूँ यार, तू जब से गया ना ये साला मेरे पे ही वजन रखता है, पूरा वजन मेरे पे रखता है, मेरा दिमाग खराब हो गया। तेरे को बोला था कि साथ में चल लेते भाग जाते, मौका तो मिला था, क्या बताऊं यार तेरे को। बोले क्या बताऊं, चल सकते ना तुम, चल वो सब छोड़ अपन बात करते हैं। अब बात क्या करते हैं, सबसे पहले वो पूछता है कि तू एक बात बता यार मेरे को, मैं तो नहीं गया लेकिन तू मेरे को बात बता, तू भागा क्यों था, तेरे को ऐसा क्या लगा कि तू भाग गया, क्या समझ में आया था तेरे को, चल तू बता। वो बोलता है कि बोले है ना मेरे को लगा था कि यार ये मार ही डाले, मतलब जिंदगी मरने जैसे, मैंने दो डिसीजन लिया था, एक तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा या मर जाऊंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी बहुत बुरी लगने लगी थी, मेरे को कोई मतलब नहीं लग रही थी, दो ही डिसीजन था, पर मौका मिला मैं निकल लिया। समझ पा रहे हो आपको, क्योंकि कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी थी,